बच्चों को अंग्रेजी सिखाया जाना है, उसे आज की पार्टी में बुलाया जाना है, अब उससे अनुरोध नहीं किया जाना है। गाइस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज़ लाइफ में बोलने होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कोई काम किया जाना है इसकी इंग्लिश क्या होगी। कोई काम किया जाना है इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे हैव और हैज टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या फिर हैव टू बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तब आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट के बाद हैज एम, इसके बाद नोट, नोट के बाद टू बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंटरगेटिव के लिए आपको पहले लिख देनी है हैज और हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद टू बी, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। उसे आज की पार्टी में बुलाया जाना है। ही इज़ टू बी इन्वाइटेड टू टूडेज पार्टी। ही इज़ टू बी इन्वाइटेड टू टूडेज पार्टी। बच्चों को अंग्रेजी सिखाया जाना है। द चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट इंग्लिश। द चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट इंग्लिश। अब उससे अनुरोध नहीं किया जाना है। ही हैज़ नॉट टू बी रिक्वेस्टेड नाउ। ही हैज़ नॉट टू बी रिक्वेस्टेड नाउ। क्या उसे कॉफ़ी दिया जाना है? हैज़ ही टू बी गिवन अ कप ऑफ कॉफ़ी। Has he to be given a cup of coffee? उसे नेता बनाया जाना है। He has to be made a leader. He has to be made a leader.